नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई एयर इंडिया फ्लाइट के मामले में। जी हाँ भाई साथियों, आपको पता है दुबई की भाई पिछले 18 महीने से आप एक दो साल मान सकते हैं भाई सिस्टम क्लोज ही था। अगर बात करें कि एयर इंडिया की गलती है या फिर इमिग्रेशन स्टाफ ने क्या किया ऐसा, क्योंकि 45 लोगों के पास सब कुछ डॉक्यूमेंट होने के बावजूद उनको फ्लाइट में नहीं चढ़ने दिया गया, वापस निकाल दिया गया। उन्होंने मोर्चा निकाला, उनके खिलाफ में नारेबाजी की, बेशर्म वगैरह इस तरह के कुछ इस्तेमाल वर्ड किए। जी हाँ, माजरा है चंडीगढ़ का। जी हाँ, जो शारजा के लिए जाने वाले थे उनको वापस निकाल दिया गया। किस लोगों, क्या उनकी गलती रही, क्या पूरा हम डिटेल से बात करेंगे, उनके ऊपर क्या कार्रवाई या फिर क्या जांच होनी चाहिए, इससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। अगर आपके साथ भी फ्लाइट से रिलेटेड ऐसा कुछ होता है और आपको लगता है कि मेरे पास सब कुछ कंप्लीट है तो आपको क्या करना चाहिए, डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए भाई, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको भी इससे रिलेटेड, फ्लाइट से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जी हाँ, एयर इंडिया की फ्लाइट 18 महीने से, आपको पता है भाई फ्लाइटें बंद थी। पंजाब चंडीगढ़ की अगर बात करें तो शारजा के लिए 18 महीने के बाद में पहली फ्लाइट गई थी। जी हाँ, यानी जाने वाली थी, आप ये समझ सकते हैं। बेचारे कुछ स्टूडेंट्स थे या फिर कुछ विजिटर्स थे या फिर कुछ वर्क परमिट वीज़ा वाले थे, सब लोग अपने अपनी बारी से डॉक्यूमेंट चेक करवाते हुए अंदर पहुंच गए, बोर्डिंग पास हो गया। जी हाँ, बोर्डिंग पास होने वाले समय पे सब लोगों को रोक लिया गया। अब एक ये बाकायदा वीडियो पड़ा है, नेट के ऊपर भी पड़ा है, सब कुछ एकदम ओपन न्यूज़ है, ये कोई छुपी हुई न्यूज़ नहीं है। एक लड़की के साथ इमिग्रेशन ऑफिसर की कुछ बातें हो गई थी, कुछ ऊपर नीचे बात हुई, उनके बाद में सबको साइड में कर लिया गया। सबसे पूछा गया कि आप सेकेंड बार टाइम कौन सा जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग थे जो सेकेंड टाइम जा रहे थे, हाथ ऊपर खड़े करो, ये करो, उनका नाम पूछा गया, आप क्यों जा रहे हो, किसके पास जा रहे हो आप। ये हालांकि जो लोगों ने एलिगेशन लगाए वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। एक लड़की ने बताया कि हमसे पूछा गया आपका नाम क्या है, आप वहां पे क्यों जा रहे हो, किसके पास रुकोगे, उन्होंने बोला दोस्त के पास, दोस्त का नाम बताइए, या फिर आप विजिट में नहीं जा रहे हो, आप तो वहां पे जाके जॉब करोगे। ऐसे कुछ गलत सवाल भी उनसे पूछे गए जो उन्होंने सामने बताने से मना कर दिया। मीडिया के सामने सीधा सीधा उन्होंने इमिग्रेशन ऑफिसर पे ये आरोप लगाया है जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट की बात करें तो। जी हाँ, उनका कहना था कि हमारे पास पहले उनको यह बोला गया था कि भाई आपके डोज कंप्लीट नहीं है, उनको नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन उनमें से सभी लोगों के लगभग डोज कंप्लीट थे, उनको भी नहीं जाने दिया। अगर एवरेज देखें तो लगभग 45 पीपल्स ऐसे थे जिनके पास पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट थी 48 आवर्स की, रैपिड टेस्ट भी उनका हो गया था, टिकट उनके पास रिटर्न वगैरह सब थी, वीज़ा उनके पास था, किसी के पास विजिट वीज़ा था, किसी के पास वर्क परमिट वीज़ा था, जी हाँ सब कुछ था, डॉक्यूमेंट कंप्लीट थे, उनके बावजूद उनको इमिग्रेशन ऑफिसर ने रोक लिया और उनको वापस निकाल दिया गया। और आपको पता भाई टिकटों का भाव क्या है, लगभग 40-50 हज़ार से नीचे टिकट नहीं आती है। फिर उनको उनका एलिगेशन ये कि हमसे कुछ लड़कियों से कुछ गलत सवाल पूछे गए, जबकि वो तो जांच का विषय होना चाहिए कि स्थिति क्या थी, क्योंकि वहाँ पर सब कैमरे लगे होते हैं, वो एक अलग बात है कि उसमें वॉइस आती है कि नहीं आती है, और भी बहुत सारी पब्लिक वहाँ पे थी। हालांकि स्पष्ट तौर से जब मीडिया कर्मियों ने पूछा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से, इमिग्रेशन ऑफिसर से, या फिर एयर इंडिया के जो स्टाफ थे उनसे पूछा गया, तो उन्होंने भी कोई संतुष्टजनक जवाब उन्होंने नहीं दे पाए। जी हाँ, अब क्या रीज़न हो सकता है भाई 45 पीपल्स को ऐसे कैसे वापस निकाल सकते हैं, जबकि अगर ये बोलते हैं कि हमें ये पूछा कि आप विजिट वीज़ा में क्यों जा रहे हो, नहीं जाना चाहिए, या फिर आप विजिट में नहीं जा रहे हो, आप वहाँ पर तो जॉब करोगे, तो भाई जब यूएई सरकार अलाउ कर रही है कि आप विजिट में आके यहाँ पर जॉब करिए, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया में किसी बंदे को कोई तकलीफ होनी चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, चाहे वो एयर एशिया फ्लाइट हो या एयर इंडिया फ्लाइट हो या इमिग्रेशन अधिकारी हो। जब इंडिया से आप विजिट वीज़ा लेके किसी दूसरे देश में जा रहे हैं, खास तौर से दुबई जैसी कंट्री में जो हाई विजिटर्स के लिए प्रसिद्ध जो दुबई है, और उसके लिए ये सवाल करना मुझे नहीं लगता गलत है। बाकी 45 पीपल्स को रोका गया है, उनको कोई संतुष्टि जवाब नहीं दी गई, उन्होंने वहाँ पर हंगामा कर दिया, हो हल्ला कर दिया, उनके खिलाफ़ में नारेबाजी की, इस तरह की कुछ माहौल वहाँ पे क्रिएट हुआ, लेकिन उनको फिर भी कोई संतुष्टि नहीं दी गई कि भाई इस वजह से आपकी टिकटें कैंसिल की गई या आपको जाने नहीं दिया गया। कम से कम क्लियरेंस तो 100% होनी चाहिए, क्योंकि एक बंदे का एवरेज कम से कम मुझे लगता है कि 60,000
70,000 रुपये तो खर्चा हो चुका है वहाँ एयरपोर्ट तक पहुँचने का। जी हाँ, और भाई दुबई जाने वाले कोई पैसे वाले तो नहीं होते, वर्कर भी उनमें थे जिन्होंने विजिट वीज़ा लेके वहाँ पे जाना था, वो भी उनमें बहुत सारे लोग थे यार। 40-50 हज़ार की सीधी सी टिकट आ रही थी, बहुत सारे लोगों के वीज़ा एक्सपायर हो गए जो एन वक्त पे, हो सकता है 5 दिन पहले 2 दिन पहले वो जा रहे थे। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है भाई, इस क्रिया एक दो बंदा की मैटर नहीं है, 45 लोगों का मैटर है। तो बता दूँ, एयरपोर्ट अथॉरिटी को हक बनता है या उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इनकी जांच की जाए कि भाई इन लोगों को वापस क्यों निकाला गया, गलती किसकी है, उनके खिलाफ में उचित कार्रवाई की जाए। जी हाँ, क्योंकि अगर उनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं थे तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि 45 लोगों के एक साथ डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं थे, या फिर किस अधिकारी की वहाँ पे मिस्टेक रही कि वो उनको नहीं जाने दिया गया। ऐसा बताया गया कि एक लड़की की वहाँ पे नोकझोंक हो गई थी इमिग्रेशन अधिकारी की, उसके बाद में ये माहौल क्रिएट हुआ, तो एक लड़की की वजह से उनके साथ में कोई बात हो जाती है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता सभी लोगों को रोका जाए वो भी बिना वजह। अगर लोग जाने वाले गलत होते तो वहाँ पे धरने पे नहीं बैठते, वो धरने पे बैठ गए थे वहाँ पे कि जब तक हमारा सोल्यूशन नहीं होता हम से नहीं हटेंगे। जी हाँ, अगर गलती मैं जा रहा हूं, मेरे पास डॉक्यूमेंट कम है, मेरी गलती है, तो मैं आराम से वापस खिसक लूंगा और वो कंप्लीट करके आऊंगा। मैं वहां पे हेगड़ी नहीं कर सकता कि मैं मुझे आप वापस कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट कम अनकंप्लीट है। डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बावजूद और यूएई में तो भाई शारजा दुबई में तो आजकल अभी लोग जा रहे हैं नॉर्मल तरीके से, कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों डोज सबके पास, सब डॉक्यूमेंट कंप्लीट है। उसके बाद में 2-4 बंदों को निकालना समझ में आता है, 45 पीपल्स को वापस निकालना उनके हिसाब से जितने डॉक्यूमेंट थे उनका जांच का विषय बनता है। उम्मीद है कि सरकार इस पर जरूर एक्शन लेगी, एयरपोर्ट अथॉरिटी जरूर एक्शन लेगी, और उसको नेक्स्ट अपडेट जैसे हमारे पास आता है हम आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। आपको भी ध्यान में रखना चाहिए कि आपको अगर एयरपोर्ट से वापस निकाल दिया जाता है तो आप लिखित में मांग सकते हैं कि मुझे वापस क्यों निकाला गया है, रीज़न दीजिए मुझे। जी हाँ, अगर नॉर्मली में आपका कोई डॉक्यूमेंट कम है तो आपको रीज़न देने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट डॉक्यूमेंट होने के बावजूद आपको वापस निकाला जाता है और आपको लगता है कि मेरे सब कंप्लीट डॉक्यूमेंट, आप लिखित में ले सकते हैं कि इस वजह से आपको वापस निकाला गया है, ताकि आपका उसका सोल्यूशन, जो भी समस्या है उसका समाधान हो सके। आई होप ये जो न्यूज़ आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।